नमस्कार दोस्तों, आज हम ये चंद्रोदरी लेकर आए हैं। इससे पहले आपको बता दें जो हमारे वेरियस कोर्सेज चलने वाले हैं, सीबीएसई 10 साइंस एंड मैथ पूरे साल भर में 5 बार पूरा पढ़ाने का नीट फाउंडेशन के साथ हमारा लक्ष्य है। इसी तरह आईसीएसई बोर्ड का 10 पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और सीबीएसई आईएससी 11-12 केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट केमिस्ट्री। दोस्तों, हर साल क्लास लेक्चर से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग इस बार भी यही प्लानिंग है। अदर कोर्सेज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, नर्सिंग, होम्योपैथी, फार्मेसी, मटेरिका, मेडिका, ये सब अवेलेबल है। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जो है हमारा टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम लोग बोलते हैं एक्वा फोर्टिस। नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं? एक्वा फोर्टिस, एक्वा फोर्टिस बोलते हैं। ओके, नाइट्रिक एसिड को लैब में कैसे बनाते हैं? KNO3 की रिएक्शन H2SO4 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस टेम्परेचर पे तो बनता है NaCl3। NaCl3 H2SO4 से, H2SO4 से हम लोग इसलिए बनाते हैं, आपसे पिछले वीडियोज में भी बात हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा एसिड है जो कि नॉन वोलेटाइल एसिड है, तो भी NaCl3 बनता है। लैब मेटर में हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या लेते हैं कि पोटेशियम या सोडियम के नाइट्रेट लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसके पीडीएफ जो है, अगर आपको यहाँ स्पष्ट ना दिखे तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करके देखिएगा। तो कंसंट्रेट H2SO4 है, सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट है, तो इनको हम हीट करते हैं, नाइट्रिक एसिड बनता है। नाइट्रिक एसिड जो बनता है उसके बाद कूल करते हैं उसको। वेपर ऑफ नाइट्रिक एसिड कंडेंस होता है टू ए लाइट येलो लिक्विड के रूप में बाय चिलिंग द रिसीवर। चिलिंग रिसीवर में यहाँ पे कलेक्ट होता है, यानी कि जब भी हम ये पोटेशियम नाइट्रेट ले या सोडियम नाइट्रेट ले, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, साथ में साल्ट भी बनेगा। इसका कलेक्शन कैसे करते हैं? वेपर्स नाइट्रिक एसिड के वेपर को कंडेंस करते हैं, ठीक है। किसमें कंडेंस करते हैं? लाइट येलो लिक्विड में बाय चिलिंग द रिसीवर। प्योर एसिड कलरलेस होता है, लेकिन एसिड कंटेंट इन लैब इज स्लाइटली येलो। पूरा शुद्ध जो एसिड होता है वो कैसा होता है? वो कलरलेस होता है, लेकिन जो एसिड लैब में मिलता है वो स्लाइटली येलो होता है। तो वो क्यों होता है येलो स्लाइटली? ये NO2 के कारण होता है। दोस्तों, इस पर बेस एक ICSE में 2007 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। वो क्वेश्चन आपके सामने है कि नेम लिक्विड ए एंड बी, लिक्विड ए और लिक्विड बी का नाम पूछ रहे हैं, एंड सी भी एक लिक्विड है जो कि बनता है। कैसे बनता है दोस्तों, उसके बारे में पूरा पूछ रहेंगे। तो आप जानते हैं कि ए क्या लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ए सल, मान लीजिए क्या दो ही ऑप्शन है आपके पास, या सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट लीजिए और बी को आप ले लीजिए H2SO4, या किसी को भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए को, कंसनट्रेट H2SO4। ए यहाँ पर क्या है दोस्तों? कंसनट्रेट H2SO4। और बी क्या है यहाँ पर? यहाँ पर भी है सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, जो भी लेना चाहे, सोडियम नाइट्रेट है। इसके बाद दोस्तों आगे आइए, तो यहाँ से पूछा गया सी क्या है? सी क्या है यहाँ पर? नाइट्रिक एसिड है जो कि फॉर्म होता है। सी यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है जो कि फॉर्म हो रहा है। अच्छा, आप पूछ रहे राइट एनी क्वेश्चन टू शो हाउ नाइट्रिक एसिड अंडरगो डिकम्पोजिशन। तो एक इक्वेशन इसके लिए शो कर दीजिए, कैसे ये डिकम्पोजिशन इसका हो रहा है, कैसे इसका डिकम्पोजिशन होता है। इसके लिए डिकम्पोजिशन शो करने के लिए आप इसको 4HNO3 4HNO3, ठीक है, डिकम्पोज करा दीजिए इसको। कैसे डिकम्पोज करेंगे? सनलाइट में, सनलाइट में इसको डिकम्पोज करा दीजिए, तो ये बनेगा NO2 और क्या बनेगा साथ में? H2O और क्या बनेगा? O2। तो ये आपका सेकंड का आंसर था दोस्तों। इसके अलावा जो है तीसरा है, व्हाट इज द राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन विच कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। दोस्तों, जब भी कॉपर की रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड से करेंगे, कापर की रिएक्शन आप किससे कराना है? नाइट्रिक एसिड से। आगे मैं पढ़ाने वाला भी हूँ, कापर की रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए, कापर नाइट्रेट बनेगा, एकदम श्योर जानिए।
और कंसंट्रेट चूंकि यहाँ पे बोला है तो जब भी आप कंसंट्रेटेड के साथ कराएं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे जब भी, तो H2O बनेगा और क्या बनेगा, ये NO2 बनेगा, H2O बनेगा और क्या बनेगा, ये NO2। तो दोस्तों इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। आगे है दोस्तों येलो कलर को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो येलो कलर को रिमूव करने की जो मेथड है वो ये है दोस्तों कि हम ड्राई एयर के यहाँ CO2 को बबल कराते हैं येलो एसिड में, और ये कलरलेस हो जाता है क्योंकि ये NO2 को बाहर निकाल देता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को डिजॉल्व कर सकते हैं वाटर में, इससे भी जो है येलो कलर एसिड का रिमूव हो जाता है। अच्छा, इसके इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं, ऑल ग्लास ऑपरेटर्स इज यूज्ड, सभी ग्लास ऑपरेटर्स यूज करते हैं बिकॉज नाइट्रिक एसिड वेपर्स अटैक रबर एंड कॉर्क। कंसंट्रेटेड HCl इज नॉट यूज इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 बिकॉज HCl इज वोलेटाइल, जबकि HCl वोलेटाइल है, हिंस नाइट्रिक एसिड वेपर विल कैरी HCl वेपर। द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन शुड नॉट एक्सीड 200 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर फॉर्म्स ए हार्ड क्रस्ट व्हिच स्टिक टू द वॉल ऑफ द रिटॉर्ट एंड डिफिकल्ट टू रिमूव, ऑल्दो द यील्ड ऑफ द HNO3 इज हायर एट द हाई टेम्परेचर में डैमेज द ग्लास अपरेटस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3 कैन ऑल्सो बी अकर। दोस्तों ये नीचे जो मेथड है ये ओस्टवाल्ड मेथड है। ओस्टवाल्ड मेथड में क्या करते हैं, जर्मन केमिस्ट ओस्टवाल्ड 1914 में दिया था। सबसे पहले हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं, यहाँ पर हम प्लेटिनम की गेज लेते हैं, प्लेटिनम गेज की वजह से तो इसे NO बनता है, जो NO बनता है फिर फर्दर इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो NO2 बनेगा, और जो NO2 बनेगा उसको वाटर से रिएक्शन कराने पे HNO3 ऑब्टेन हो जाता है। दोस्तों तो इसमें होता क्या है कि इधर से एयर आया और अमोनिया गैस आई, एयर और अमोनिया गैस दोनों आए प्लेटिनम गेज पे, ये क्या बन गया, NO बना। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ भेजेंगे NO को, जो इसमें इम्प्योरिटी होगी वो वाटर सोलबल इम्प्योरिटी यहाँ डिजॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इसको भेजेंगे, इसमें फिर से एयर भेजेंगे, यहाँ से एयर की प्रेजेंस में जो है ये NO2 में चेंज होगी, फिर NO2 की वाटर से रिएक्शन कराएंगे इससे ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में, तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, फर्दर यहाँ नाइट्रिक एसिड एब्जॉर्प्शन टावर में कलेक्ट हो जाता है। ये इसका प्रिपरेशन का मेथड है दोस्तों। अच्छा, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नेम ऑफ द प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस पहली बात तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, और इसमें अमोनिया एयर है, कैटलिस्ट क्या होता है, प्लेटिनम लेता है, प्लेटिनम होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इक्वेशन फॉर कैटालिटिक रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है पूरा इक्वेशन इन्होंने पूछ रखा है, तो पूरा इक्वेशन अभी हमने पीछे देखा था कि अमोनिया लेते हैं, अमोनिया की रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, अमोनिया की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है इसमें, फोर NO बनता है और क्या बनता है, H2O बनता है, और साथ में हीट बाहर निकलती है, ठीक, तो आउटपुट नाइट्रिक एसिड है। जो भी हम लोग यूज करते हैं अपरेटस वो किसका लेते हैं, वो हम लोग ग्लास का लेते हैं दोस्तों, क्योंकि रबर और कॉर्क डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और टेम्परेचर को हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा क्यों नहीं रखते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन शुड नॉट एक्सीड 200 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर फॉर्म ए हार्ड क्रस्ट व्हिच स्टिक टू द वॉल ऑफ द रिटॉर्ट एंड डिफिकल्ट टू रिमूव, ऑल्दो द यील्ड ऑफ HNO3 इज हायर, यील्ड जो है वो हायर होगी, लेकिन इससे कई प्रॉब्लम्स है। पहली बात तो ये जो ग्लास के अपरेटर से ये डैमेज हो जाएंगे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम टेम्परेचर लेंगे तो जो ग्लास के अपरेटर है हमारे वो क्या होंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बार डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैन आल्सो आकर, अगर मोर देन 200 टेम्परेचर हम लेते हैं तो उससे कई हानियां हैं, ढेर सारी हानियां हैं, जो आपसे मैं बात कर रहा हूं वो लॉस है, और इस तरह से नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ओस्टवाल्ड प्रोसेस का फिगर भी आपने देखा, HNO3 अप टू 98% ऑब्टेन एट डिस्टिलेशन, प्योर 100% HNO3 ऑब्टेन बाय स्ट्रांगली कूलिंग 98% एसिड। नोट, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 हायर रेशियो ऑफ एयर यूज्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज ओनली 1/5 ऑफ द एयर एंड इज रिक्वायर्ड इन ऑल थ्री चैम्बर्स। क्वार्ट जो होता है वो कैसा होता है, लास्ट वाले चैम्बर में जो हम लोग यूज करते हैं, एसिड रेजिस्टेंट होता है एंड व्हेन पैक्ड इन लेयर हेल्प इन डिजॉल्विंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये कलरलेस लिक्विड है बट कमर्शियल HNO3 इज येलोइश ब्राउन होता है, सफोकेटिंग स्मेल है और एसिडिक टेस्ट होता है। स्टेबिलिटी, अनस्टेबल होता है सनलाइट में, नाइट्रिक एसिड किसमें टूट जाता है NO2 में। इन लैब कलर ऑफ HNO3 स्टोर्ड इन वाटर टर्न्स येलो ड्यू टू NO2, कैसे रिमूव करते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एसिडिक प्रॉपर्टी, चूंकि ये एक एसिड है इसलिए किससे रिएक्शन करता है, बेस से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है। K2O से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, 2KNO3 बनाएगा, 2KNO3 और साथ में क्या बनेगा, वाटर। कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कर क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा NO3 का होल ट्वाइस बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा जो कि साल्ट है और साथ में क्या बनाएगा, ये वाटर बनाएगा। NaOH के साथ रिएक्शन कर क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। FeOH का होल ट्वाइस क्या बनाएगा, Fe, ठीक है, फेरिक नाइट्रेट बनाएगा, फेरिक नाइट्रेट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। MgOH का होल ट्वाइस क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट और साथ में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसकी रिएक्शन हुई। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट साथ जब भी किसी एसिड रिएक्शन कराते हैं तो क्या जाता है, CO2 जाता है। साल्ट क्या बनेगा, पोटेशियम, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट साल्ट बनेगा यहाँ पे और साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट, H2O और CO2। ऐसे आप यहाँ वाली रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट साथ क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट के साथ क्या बनेगा, H2O और CO2 और साथ में सोडियम कार्बोनेट साथ कराएंगे तो 2NaNO3 और H2O और CO2। इस तरह की रिएक्शन होती है दोस्तों। एक रह गया था कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट और साथ में क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट के अलावा H2O और CO2। तो ये रिएक्शन होती है दोस्तों। मेटेलिक सल्फाइड, जब कभी आप सल्फाइड लेते हैं, जैसे कि हम पीछे बात किए हैं, जब भी आप कार्बोनेट लेते हैं CO2 जाता है, जब भी आप मेटल सल्फाइड लेते हैं जो गैस जाती है वो कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे KNO3, H2O, SO2 गई। ऐसे आप कॉपर कार्बोनेट लिए हैं तो आपको क्या बनेगा, कॉपर का नाइट्रेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे H2O बनेगा और क्या बनेगा, SO2। ये इसी तरह दोस्तों अगर कैल्शियम बाइसल्फाइड लिए हैं तो भी क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट H2O और SO2, ये प्रोडक्ट बने। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में देखिए तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होने पर NO मिलता है और अगर कंसंट्रेट है तो NO2 मिलता है। अब इसकी कुछ रिएक्शन है, थोड़ा सा यहाँ पे डार्क दिख रहा है, कोई बात नहीं है। नॉन मेटल साथ रिएक्शन में जैसे बोरॉन है, बोरॉन थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है बोरॉन, और इसकी नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कराएंगे तो बोरिक एसिड बनता है और NO2 बनता है। जैसे बोरॉन थर्ड ग्रुप का है तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लेना है हमें 3 और यहाँ पे NO2 निकालना है 3, ठीक है। पहले देखा है कंसंट्रेट लेने पर NO2 निकलता है। ये कार्बन किस ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप का, यहाँ नाइट्रिक एसिड लेना है 4 और यहाँ पे NO2 निकलेगा 4। साथ में कार्बन का सबसे फेमस एसिड जो है H2CO3, फास्फोरस लिया है, उसे P4 के रूप में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर परसा मत हो, जब P4 लेंगे तो हर चीज 4 गुना बढ़ जाएगी। ये फिफ्थ ग्रुप का है 5HNO3, तो यहाँ पर बनेगा 5NO2। सल्फर, तो इसका सबसे फेमस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ बना है, ठीक, और यहाँ पे 6NO2। I2 से इसकी कोई ट्रिक नहीं, इसको ऐसे याद रखिए, इंटर में CBSE 12 में बहुत आता है एग्जाम में, इसको बहुत ध्यान देना है। कुछ मेटल पैसिव हो जाते हैं जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जैसे यहाँ पर है, उनको याद करें, ट्रिक है, फेको नहीं करा रहे आलू। प्लेटिनम AU कभी भी कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन नहीं करते। इसी तरह दोस्तों मेटल से रिएक्शन करने का मेथड ये है, ठीक है, बहुत डाइल्यूट है तो
अमोनियम नाइट्रेट मेटल नाइट्रेट सब में बनेगा, और डाइल्यूट है तो N2O, अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर है, अगर हाइड्रोजन नीचे है तो NO, कंसंट्रेट है तो NO2 बनाएगा। और उसी का एग्जाम्पल है दोस्तों सब शुगर केन और HNO3। शुगर केन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे जेलिक एसिड बनेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ HNO3। डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर रिमूव करेंगे तो इसका इनहाइड्रेट बनेगा, जैसे P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो ये N2O5 बन जाता है। एक्वा रेजिया HNO3 और 3HCl के साथ, पढ़ चुके हैं HCl में। तो दोस्तों ये सारे रिएक्शन है ये HNO3 की। अब इसके क्या क्या यूज है, इसके काफी यूज है। टू ईच डिजाइन ऑन कॉपर एंड ब्रास वेयर नाइट्रिक एसिड एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल। टू प्यूरिफाई गोल्ड, गोल्ड को प्यूरिफाई करने में रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट के रूप में फर्टिलाइजर्स बनते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोचाक बनता है जिसका कंपोजिशन है अमोनियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारा यूज है इसका। फाइबर्स बनता है इसका, बहुत ढेर सारा दोस्तों इसका यूज है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।